आज की क्लास में हम बटन वाला बेबी फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमने ड्राइंग तैयार कर लिए और अब आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने कितनी रखी है। योग की लंबाई हमने 6 इंच रखी है, यहाँ से यहाँ तक, और योग की चौड़ाई भी हमने 6 इंच ही रखी है। अब आते हैं हम तीरे पे, तो तीरा हमने 8 इंच का रखा है यहाँ से यहाँ तक, और मुड्ढा हमने 4.5 इंच, 2 इंच की चौड़ाई है और 4.5 इंच लंबाई। ये जो तीरे का गिराव है ये हमने 1/2 इंच पे लिया है, और ये जो योग पे गिराव लिया है हमने गोलाई का, ये भी हमने 1/2 इंच पे लिया है, और साइड में से भी 1/2 इंच लेना है। तो ये तीनों जो गिराव है हमें 1/2 इंच के लेने हैं। तो ये जो गोलाई देख रहे हो ये है बैक के गले की, इसमें हमें बैक और सामना अलग-अलग काटना है, क्योंकि ये फ्रॉक जो बनाएंगे हम सामने से खुला हुआ बनाएंगे, शर्ट जैसा, जैसे शर्ट खुली हुई होती है सामने से। तो ये 1 इंच हमने पीछे का गिराव लिया है गले में, और 2.5 इंच हमने सामने का गिराव लिया है, 2 इंच चौड़ा। तो सामने में हमने 3 इंच का लिया है, 1 इंच हमारा ये सामने मोड़ने में आ जाएगा, जो सामने की पट्टी मोड़ेंगे हम जिसपे बटन लगाने हैं, और 2 इंच हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो खुलने के बाद ये 4 इंच हो जाएगा, 3 इंच चौड़ाई सामने की और 2.5 इंच गहराई। ये फोल्ड वाली पट्टी है हमारी। तो ये हमारा योग तैयार है। ऐसे अब मैं बताती हूँ इसके घेर के बारे में। तो सामने का घेर जो लेना है हमें 11 इंच का लेना है चौड़ाई, और 11 इंच की लंबाई, और बैक का जो लेना है हमें ये 10 इंच चौड़ाई इसकी और 10 इंच इसकी लंबाई। तो ये सामने से खुला हुआ बनाना है हमें ऐसे सीधा। तो देखो, हमने बटन के भी निशान दिए हैं इसमें। ये हमने 1 इंच नीचे से फोल्ड कर दिया है, और ये हमने पॉकेट लगाई है इस पर, पॉकेट का निशान दे दिया है। तो ये हमारे फ्रॉक की ड्राइंग तैयार है। अब हम इसे अखबार पर काट के दिखाएंगे कैसे काटना है भाई। तो ये हमने पेपर फोल्ड कर लिया है, अब हम इस पर लगाएंगे लंबाई का निशान। ये लंबाई है हमारी 6 इंच, और चौड़ाई है हमारी योग की 7 इंच। ये सामना है ना, 1 इंच बड़ा लिया है हमने सामना। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे गले की चौड़ाई का निशान। तो 2 इंच लिया है हमने, तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। तो गले की गहराई लिया हमने 2.5 इंच, अब इसमें गोलाई देनी है। अब हमें मुड्ढे का निशान लगाना है। साढ़े चार, इसमें भी हमें ऐसे ही गोलाई देनी है। अब हमें 1/2 इंच तीरे के गिराव का निशान लगाना है। अब साइड में भी हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है। और 1/2 इंच योग की गोलाई का निशान। तो ये सामने का योग हमारा तैयार है। अब हम इसे काट के दिखाएंगे।
ये हमारा सामना हो, अब हम बैग काटेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया है ऐसे, हमें बैग को जो है इस पे रख के निशान लगा दें। तो ये बैग है और ये हमारा सामना, इसे हमें ऐसे मोड़ना है। और यहाँ हम इस पे बटन लगा देंगे। तो अब हमें घेर लेने हैं। घेर की लंबाई 11 इंच और घेर की चौड़ाई भी 11 इंच। तो ये हो गया हमारा 22 इंच, ये मैंने फोल्ड कर रखा है। और ये ऐसे भी 11 इंच, इसे हमें मोड़ना है ना यहाँ से। तो ये सामना हो गया हमारा। अब लेंगे हम बैग, ये भी मैंने फोल्ड कर लिए। ये 10 इंच लेनी है और लंबाई इसकी 11 इंच। ये बैग के घेर हैं और वो सामने के। तो ये हमारे बैग के घूम हो गए।